हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मेटने वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, क्यार के दद्दू हो चुके हैं, बोले तो मैड। उनका दिमाग जो हो गया है घसक, उसकी वजह क्या है बोले तो फिल्म फेयर ने एक आर्टिकल लिखा है, वो भी बोले तो अपना ट्विटर अकाउंट पे, और जो पायरेसी हो रही है मूवी का, राधे और मोस्ट वांटेड भाई का, उसके बारे में लिखा था कि सलमान खान जो भी पायरेसी बोले तो इलीगल वेबसाइट पे मूवी राधे और मोस्ट वांटेड भाई अपलोड किया, उसको एक्शन लिया जाएगा। जो क्राइम सेल्फ, ये एक क्राइम है, तो रिट्वीट करके उन्होंने डायरेक्ट लिखा है दोस्तों क्यार के दद्दू ने कि सलमान खान ने भी तो क्राइम किया है, ऑडियंस को इतनी सड़ेली मूवी दिखाई है तो सलमान खान भी तो एक क्राइम किया है, बोले तो ऑडियंस का पैसा ठगा है। तो अरे भाई क्यार के दादा, अगर सड़ेली मूवी रिलीज करती है पब्लिक ऑडियंस को जब अच्छी लग रही है तो इसमें क्राइम की क्या बात है, ऑडियंस को मूवी अच्छी लग रही है तो इसमें क्राइम की क्या बात है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो मत जाओ ना, फिर सलमान खान की फिल्म देखने क्यों थिएटर तक पहुँच जाते हो, मत जाओ। फिर देखते हो फिर सलमान खान को ही पहलते हो, इससे अच्छा है कि फिल्म को देखो ही मत। पहलने से अच्छा है कि आप शांति रहोगे और आपका 500-400 रुपया बच जाएगा, इसमें क्राइम की क्या बात होगी। अरे यार, मतलब क्यार के दद्दू ना, जो उनका जो माइंड होता है ना, पता नहीं वो सोच कहाँ से लाते हैं, और बोले तो यार वो सोचते क्या हैं, वो सलमान खान के बारे में क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि सलमान खान का स्टार्डम अलग लेवल का है, और जो भी सलमान खान की मूवी देखने जाते हैं सबको पता है कि सलमान खान का एक्शन होएगा या वो फिर रोमांस होएगा, बॉडी वगैरह दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं सलमान खान की वजह से इसलिए जाते हैं। तो क्यार के दद्दू कहीं ना कहीं इस पर गलत रॉन्ग है। आप लोगों की क्या राय है, क्या क्यार के दद्दू का ये जो रिट्वीट किया है इस ट्वीट को, क्या है आपको, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताना। दोस्तों, मेरा तो एक ही सवाल है हमारे क्यार के दद्दू को, पता नहीं इनको क्या जलती है, क्या खुजली है इनको कि जो सलमान खान की हमेशा से ट्रोल करते हैं। और सबसे बेहतरीन बात तो एक ही चीज़ बोलूँगा क्यार के दद्दू को कि आप ना एक ही काम करो कि सलमान खान की फिल्म जब भी रिलीज हो आप थिएटर में मत देखो उनकी मूवी, ताकि आप बच सको बेहोश होने से और रोने से। ऐसा क्या फ़ायदा है कि आप सलमान खान की मूवी को देख के रोने लगते हो। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोगों की क्या राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।